हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। विकास खंड सरसवा के ग्राम गाठेड़ा के ग्रामवासियों ने रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामवासियों का कहना है कि रोजगार सेवक फर्जी तरीके से नाम बदलकर उनके अकाउंट से निकाल रहे हैं कई सालों से रुपए। मृत्यु होने के उपरांत भी किया जा रहा है अकाउंट से पैसों का लेन देन। 18 जॉब कार्ड को लेकर रोजगार सेवक घोटाले के दायरे में रोजगार सेवक पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसकी अभी अधिकारियों द्वारा की जा रही है जांच पड़ताल। ग्रामवासियों का आरोप यह भी है कि नाबालिग का उम्र बढ़ाकर फर्जी तरीके से कई सालों से निकाला जा रहा है पैसा। नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। समाचार दर्शन की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, जमीनी हकीकत के मुद्दे से रूबरू करा रही है। देखिए, आज सरसावा ब्लॉक के ग्राम गठेड़ा में मौजूद है। यहाँ पर एक ग्राम सेवक के उपलक्ष में कुछ लोगों ने शिकायत दी है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मामला है, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या मामला है, क्या हुआ। जी सर, आपका नाम? परवेज जी है मेरा। परवेज जी, जैसे कि ग्राम सेवक के उपलक्ष में आपने कुछ शिकायत दी है, तो उसमें क्या मामला है, ये पूरा प्रकरण बताइए। देखिए सर, ये मामला आज इसे लगभग 6 महीने और 26 दिन हो गए। ये हम सामाजिक आदमी हैं, गांव में एक फर्जीवाड़ा चल रहा था, रोजगार सेवक है, गांव के रहने वाला है। तो ये बहुत दिनों से एक फर्जीवाड़ा कर रहा था गांव में, फर्जी जॉब कार्ड के द्वारा, फर्जी जॉब कार्ड में नाम जोड़े हैं, जैसे कि नाम मेरे नाम पे है जॉब कार्ड और किसी अन्य आदमी का जो गांव के अंदर है, उसका नाम जोड़ दिया। आपने यहाँ की जो डिटेल निकलवाई है? जी सर। कितने कार्ड हैं यहाँ पे? ये ऐसे 18 जॉब कार्डों की हमारी शिकायत है। तो पूरे करंट में कितने हैं, जितने की चल? लगभग ये मान लो कि 100 जॉब कार्ड शायद चल रहे हैं, 100 जॉब कार्डों के अनुसार काम चल रहा था, लेकिन 18 जॉब कार्ड ऐसे हैं जिनमें हमारा कहना है कि इनमें फर्जी नाम, इनके खाते में पैसा ही नहीं आया है। अगर पैसा आया है तो उनका स्टेटमेंट दिया जा, क्योंकि इसमें जो हमने 29 अप्रैल 2023 में एक एप्लीकेशन दी थी, उसके द्वारा श्री प्रवीण कुमार अभियंता और बाबूराम वर्मा, उन्होंने इसकी जांच की है, जांच में दुर्भाग्य दोषी पाया गया। उसके बाद श्री बलराम कुमार जी थे हमारे यहाँ डीसी मनरेगा, उन पे 2-4 ब्लॉक में भी हमें वीडियो थे और डीसी मनरेगा थे, तो उन्होंने जांच करी स्वयं सचिव के साथ मान के, उन्होंने भी इसे दोषी पाया गया। तो इसके अलावा फिर दोषी पाने के बावजूद में इसके एक आदेश जारी हुआ कि इसे जो है पद से हटाया जाए, लेकिन पद से तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद फिर एक आदेश हुआ कि आदेश हुआ कि संबंधित से जो है रिकवरी करी जाए, और रिकवरी के बाद इसमें जो है फिर प्राथमिकी दर्ज करी जाए। जैसे आपने बताया है कुछ लोगों ने मजदूरी की है, उनका मजदूरी का पैसा नहीं मिल पाया है, नहीं मिल पाया, सरकार की तरफ से पैसा आ चुका है, इन लोगों तक नहीं पहुंचा है। सर मैं कमाल तो सीखे, मैं मनरेगा के कार्यों में नहीं गए, न मैं मनरेगा के कार्यों में गए और ना ही उनके अकाउंट जो है दिखाया, जो सिर्फ नाम से मजदूरी हो रही है, उनका अकाउंट जॉब कार्ड में दिखा स्टेट बैंक का, और उनके नाम जो चल रहा है अकाउंट चल रहा है वो यूनियन बैंक शाखा। ये बता सकते हो कि किस सचिव के अंतर्गत यहाँ पे ये घोटाला हुआ है? ये गांव में जो ग्राम सचिव, ये पहले सचिव एक हमारे सौरभ कुमार थे, उनसे पहले विंकित जी थे, अब जो फिलहाल जो सचिव है वह शेखर सैनी है। शेखर सैनी, तो उन लोगों से आपकी बातचीत हुई जो आपके मौजूद में है? जी, उनसे बातचीत हुई, लेकिन उन जो फिलहाल मौजूद है उन्होंने उसे पद से हटा गया। वीडियो साहब से भी बात हुई आपकी? वीडियो साहब ने हमें फ़ोन किया था लगभग 16-17 तारीख में कि भाई अब्दुल वहाब को बुलाया गया है और आप भी आ जाओ, कुछ बात करनी है। हम वहाँ पहुँचे, पहले उन्होंने अब्दुल वहाब को सुना, उसके बाद में हमें सुना, लेकिन हमें जिस टाइम उन्होंने बताया कि भाई इसमें बताना शुरू करा कि इसमें ये हो रहा, तो उन्होंने बताया कि इसमें एफिडेविट आ चुका। हमने कहा सर एफिडेविट तो आ गया, लेकिन आप ये तो देखो कि शर्मी के खाते में पैसा गया या नहीं गया। तो उसमें हम वीडियो साहब जो राकेश कुमार जी, उनसे बहुत मायूस है, मैं सही तरीके में काम नहीं कर रहे हैं और मैं 100% अब्दुल वहाब रोजगार सेवा जो उसकी मदद कर रहे हैं। वीडियो साहब से अलावा किन किन अधिकारियों से आपने शिकायत की है? हमने डीएम साहब से भी शिकायत करी, और डीएम साहब के अलावा जो हमारे सीडीओ साहब पहले थे, मैं बहुत ही बढ़िया जितनी उनकी तारीफ कर दी जाए कि उतनी बढ़िया आदमी थे हमें, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से। जब तक मैं यहाँ रहे बहुत अच्छे स्तर पर काम चला, लेकिन उसके बाद जैसे उनके जाने के बाद मामला बहुत डैमेज होता जा रहा है। इन लोगों से जैसे आपने बात की अधिकारियों से, क्या आश्वासन मिला आपको इस चीज़ की इस उपलक्ष्य में? अभी सरसावा ब्लॉक से हमें कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन जो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया उनसे हम संतुष्ट हैं,
उसके बाद जो नए CDO साहब है उनसे हम संतुष्ट थे। उसके बाद हमने एक अप्लीकेशन DM साहब के यहाँ दी थी, वो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली, तो उसमें इस आदेश के अनुसार ये 24/7/2023 का आदेश है, इसमें आदेश में लिखा है कि मस्टोल ने फर्जी मस्टोल जारी कराए जाने, फर्जी रूप से मृतकों की MMS ऐप हाजिरी लगाए जाने और फर्जी अनियमित राजकीय कोष में धनराशि का हरण किए जाने पर सेवक रोजगार सेवा पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इसके अनुसार ये 24/7/2023 का आदेश है, लेकिन आज तक कोई रिकवरी और कोई FIR नहीं हुई। तो इसके आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग हैं मृतक, जिन लोगों का पैसा आया गया है मृतक है वे कागजों में चल रहा है उनका नाम? ये दो लोग ऐसे हैं, एक नेकीराम सनोप पुत्र चंदा है, उसकी 1/12/2020 में मृत्यु हुई, उसके बाद भी उसका पैसा उसके अकाउंट में तो नहीं गया, लेकिन पैसा कहाँ गया इसका कोई पता नहीं है, उसके नाम पर हाजिरी लगाई गई और पैसा निकाला गया। एक दूसरी श्रीमती संतोष है, पत्नी कालू राम, उसका भी लगभग 2 बार पैसा निकल चुका, और एक बार जो हमने 29 अप्रैल 2023 में हमने एप्लीकेशन दी तो उसी दौरान उन्होंने एक हफ्ते में लगभग 200 दिहाड़ी फर्जी में संतोष का भी नाम सम्मिलित है, उन 200 दिहाड़ियों का अब तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। देखिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि ग्राम सेवक की धांधलेबाजी की वजह से मजदूरों को पैसा नहीं आया है और मजदूरी करने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिल सका। ये सरकार के पैसे के साथ धांधलेबाजी चल रही है, ग्राम सेवक और सचिव और BDO साहब की मिली भगत से ये कार्य चल रहा है। हम और भी लोगों से मौजूद हैं, अब लोगों से रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर क्या मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? राघव नाम है जी। जी ये जो चल रहा है मामला, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं जानकारी तो है नहीं। क्या आप रोजगार में जॉब करते हो, दिहाड़ी करते हो? जी मैं हाँ फ्री करता हूँ कपड़े की। अच्छा आप तो फ्री करते हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर है जी। बाबर भाई, जैसे कि ये रोजगार वाला मुद्दा चल रहा है आपके गांव में, क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हम ये कहना चाहें जी कि जो अब्दुल वहाब है जो हमारे यहाँ ग्राम सेवक है, वो उन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा किया है और मृतकों के पैसे में खाते में से पैसे भी निकाल रहे हैं, और कुछ जॉब गार्ड उन्होंने ऐसे भी बना रखे जिनकी उम्र लगभग 9 से 10 साल है और उनके 18-19 साल उम्र बताई गई, उन्होंने बहुत काफ़ी फर्जीवाड़े किए हैं। देखिए ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिसकी 9 से 10 साल